अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ते और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ कम होती है। कोहरे से भी एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुखी होने के दो प्रमुख कारण हैं, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा रखना और खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने, और झूठ को हमेशा डर रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत ज्यादा है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं, ईश्वर सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है, पहला दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में ये इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना ये मायने रखता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा है जो तुम हमेशा करना चाहते थे। इसीलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं, तो जीवन में वो कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसला करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वो लेफ्ट में होता है, लेकिन फैसले हमेशा राइट होते हैं उसके। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती जब तुम किसी पर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। चिराग कैसे अपनी मजबूरियां बयां करें, हवा भी जरूरी है और डर भी उसी से है। आप आज टाल मटोल करते हुए कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। चीजें उन तक भी आ सकती हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतना ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना महत्व के या आसानी से मिल जाती है तो वो उसकी असली कद्र नहीं कर पाता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, लेकिन इसे जीने के लिए आगे देखना जरूरी है। कभी भी दूसरों को ना आंके, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं।
जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और वो ये पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके भीतर ही है। मैदान में हरा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी जरूरी है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखो, तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाओ। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई स्कूल नहीं हुआ। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी मत करिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसीलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे हजार मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता।
यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उसी दिन से वो उस रिश्ते में जरा सी भी कोशिश करना भी बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। कड़वा है पर सच है।